हम बात कर रहे हैं गंदार ऑयल एंड रिफाइनरी की। आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3% तक के अपसाइड के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 217.49 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 204 इसका मेजर सपोर्ट है, हमने डिस्कस किया था। देख सकते एक जंप आया, गिरावट आई, ब्रेकडाउन नहीं किया आपने सपोर्ट को। बाउंस बैक करता है तो आपको याद होगा हमने इस लेवल को यानी 224 के लेवल को, जहाँ से मल्टीपल्स टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर डिस्कस किया था। और यहाँ देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट इसी के आसपास से 224 के आसपास से ही स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई है। लेकिन इस वक्त आप अपने सपोर्ट एरिया पे 214-215 का लेवल सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। बड़ा जंप, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली गिरावट के बाद। यहाँ से गंदार रिकवरी दिखा सकता है नीचे की ओर। 204 और 200 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 200 के ऊपर है तब तक यहाँ अपसाइड के चांस बने हुए, होल्ड भी करके चला जा सकता है। वैसे पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ से आप स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है, देख सकते हैं बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली। उसके अकॉर्डिंग अभी हमको उतनी बड़ी सेलिंग यहाँ आते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन मार्केट गिरावट का सिग्नल दे चुका है। मार्केट गिरावट में था पिछले 2-3 दिनों से, जिसके रीज़न आप तो जानते हो कि मिडल ईस्ट में वार और क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। तो हमको उस पॉइंट को भी भूलना नहीं है, उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से तेज़ी आती है मार्केट में और स्टॉक में, स्टॉक बाउंस बैक करता है। तो 224 का जो लेवल है इमीडिएट टारगेट है और मेजर रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट करके सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने ब्रेकआउट देखा था लेकिन सस्टेन होते नहीं देखा। अगर सस्टेन हो जाता है 224 के ऊपर तो फिर यहाँ से लगातार बड़ा मोमेंटम 230 और 240 तक का भी जंप फिर गंदार दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।